शहीद भाई तारू सिंह जी जिन्होंने अपने जीवन के बहुत ही बड़ा इतिहास सिरजिया, समय की हुकूमत जिन्हों का हुक्म सी जां तां अपना धर्म छड्डो ते जां फिर मौत लई तैयार हो जाओ, पर उस समय नूं ते जे अज दे समय नूं दोनों नूं रला के देखिए, उस समय जिन्ने भी पंजाब दे विच गुरु नानक दे घर दे नाल प्यार करन वाले सन, गुरु गोबिंद सिंह जी दे दसे होए मार्ग ते चलन वाले सन, वो सारे सिखी दे नाल नहीं, सिखां तो ज़्यादा सिखी तो ज़्यादा वो केसां दे नाल प्यार करदे सन, क्योंकि अपना बंद बंद कटवा लेना, अपनी खोपड़ी नूं लहा लेना, अपने केस नहीं सी कटवाउंदे। पर अज जे नौजवान पंजाब दे विच देखिए, घरां दे विच तकरीबन अज्ञानता बस हो के साडी नौजवान पीढ़ी गुरु नानक दे दसे सुमार्ग तो बेमुख हो रही है, जिस तों कि गुरु साहब जै तन बाणी विसर जाए ज्यों रोगी पक्का बिल लाए। जदों मनुख बीमारियां दे विच जकड़ दे विच आउंदा डाक्टर कोल जांदा है, पर साढ़े कोल ऐसी दवाई है, ऐसा सिस्टम है, ऐसा शब्द गुरु का प्रकाश है जिदे नाल सारे रोगों के मसले हल किए जा सकते हैं। पर कौम की त्रासदी की नौजवान पीढ़ी पढ़ने तैयार ही नहीं है। गुरु घर आते ने बारों मत्था टेक के मुड़ जाएंगे, मेरे सिर ते रुमाल नहीं सी, जे दस्तार हो रुमाल की लोड़ ही कोई नहीं, तो गुरु नानक की गोद के कदों बैठोंगे, कदों तुहानू पता लगे गुरु नानक साहब सानू की उपदेश करते ने, की दसा गुरुआ की जोत, पंद्रह भगतों की जोत, उन्हां गुरु के सिखां की जोत शब्द रूप के जो साडे हाजिर नाजर है, कदों उसकी दर्शन करांगे। भटकया हुआ मनुख नशियां विच पै सकता है, भटकया हुआ मनुख बद चलन हो सकता है, भटकया हुआ मनुख समाज के लिए खतरा हो सकता है, भटकया हुआ मनुख किसी के घर में उजाड़ सकता है, पर कदे भी बसा नहीं सकता। उहदे विच कारण की? कारण गुरु साहब कहिंदे ने परमेश्वर ते भुल्लिया व्यापन सभे रोग, बेमुख होए राम ते लगन जन्म बजयोग। गुरु साहब का जो मनुख परमात्मा भुल जाता है तो उसके अंदर भटकना पैदा होती है, भटकया हुआ मनुख पीर की कबर ते भी जा सकता है, भटकया हुआ मनुख मड़िया मसाणिया भी जा सकता है, भटकया हुआ मनुख धागे तवीत भी करवाउंदा है, भटकया हुआ मनुख टूने टामणा च भी विश्वास करता है, भटकया हुआ मनुख सौ तरह के डरावे लालच के भी आ जाता है। पर गुरमुख की एक पहचान है कि वह केवल परमात्मा के मार्ग से चलता है, तो परमात्मा के मार्ग तो दूसरे की टेक नहीं रखता, केवल शब्द गुरु की टेक रखता है, वह हिरदे के मूल मंत्र बसा के रखता है, शब्द के वाहिगुरु मंत्र बसा के रखता है, उसे जदों भी तुम गल करेगा तो गल तो पता लगता भी ये गुरु वाला है, ये मनमुख है। एक हुण शराबी कोले जाके बैठ जाओ तो जांदे ही गल्लां करेगा फलाने ठेके दे शराब बड़ी सस्ती है, उहदी विरती। एक पीर दी कबरां ते जांदा है धागे तवीतां विश्वास करदा, उहदे कोले जाके बैठ जाओ कहेगा जी फलाने पीरां दे गए सी, हाँ हाँ बड़े पीरां ने रंग बन्ने, की बन्ने पता कख भी नहीं, पता कख भी नहीं, सिर्फ बन्ने बस। अज पढ़ लिख के भी साडी दुनिया मंगल ग्रह से चंद्रमा से होर बड़िया तरक्या कर रही है, पर साडे विच की है? असी पढ़ लिख के भी की करते हैं, जां किसी कबर ते चले गए, जां किसी धागे ते भी तले गए, जां किसी पखंडी ने जिहदे जटाइयां सिर ते आ गईआं उहदे मगर तुरे फिरदी। गुरु नानक साहब ने इसलिए एक नक्शा दिता सानू, एक सिद्धांत दिता, एक सानू शब्द लिख के दिते। गुरु साहब आवाज़ मार के कहते रहे भी आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी।
बिल्कुल सही कह रहे, गलत नहीं कह रहे असी। आओ आप ज्यादा लंबा समा ना लीए, क्योंकि सारी संगत ने सवाल जवाब भी करना। जिन्हें वीर सही जवाब का उत्तर आता हो, चाहे छोटे बच्चे ने बड़े वीर ने, अपना हाथ खड़ा करना। जिहड़े भी वीर सानू पसंद लगे वह वीर असी आवाज देवे तो वह आके उत्तों सही जवाब लवेंगे। सब तो पहला वाहेगुरू जी की फतेह बुलाउणी है, इस तो बाद अपना नाम दसना तो सवाल का सही जवाब देना। बिल्कुल तैयार हो जी सारे। बड़ा ठंडा जहा बोलो भी लगता कि तेन गलत सवाल थोड़ा पूछना यार, पूरा रोक ना पाओ। हाँ जी तैयार हाँ। अभी छोटे बच्चे का जान पैगी, बड़े हले सोचते पे है भी पता नहीं कहड़ा सवाल पूछूंगे। कोई ना घबराओ ना, बिल्कुल तुम उही सवाल पूछा जेडे आप फिल्म के देखे हैं, ज्यादा औके नहीं पूछते, सौके पूछा अगली बार पूछा औके सवाल। आप मेरा सब तो पहला सवाल है जी, भाई जोध सिंह जी के पुत्र का की नाम सी? बड़े वीर जी तो पहला बोलते आ जाओ वीर जी, तुम सब तो पहला फतेह बुलानी है, इस तो बाद अपना नाम दस के सही जवाब देना है जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई जोध सिंह जी उन्होंने पुत्र का नाम भाई तारू सिंह जी, तो उन्होंने पुत्री का नाम माता बीबा तार कौर। सो ये उन्होंने नाम से बहुत वधिया। सारे जने नच के फतेह बुलाओ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की। क्योंकि मैं सवाल उन्होंने उल्टा करके पाया सीगा, क्योंकि भाई तारू सिंह जी के पिता का नाम भाई जोध सिंह जी से, क्योंकि मैं पूछा भाई जोध सिंह के पुत्र का की नाम से। तारू सिंह की फिल्म तो सारे ने देखी, कई बार आप चिंता से पा जाने भी यहाँ तो की नाम होया, हूँ तो फिल्म तो पता नहीं लगे कितने। कई बार आप गुरुद्वारे चले जाने ग्रंथी सिंह या कथावाचक ज होर कीर्तनी वीर कीर्तन करते हैं, साडा ध्यान होंगे घर ही, साड़ी तो झोटी सूई सी बाबा पता नहीं कदों समाप्ति करूँ, असी घर जाके पट्ठे पाने से मज सामनी सी, है ना इदा ही होंगे ना। एक गल बिरती की आप बिरती प्रगट करना भी किमें आप बैठ के गुरु घर आकर लाभ क्यों नहीं लै सकते। भाई जोध सिंह जी के पुत्र का की नाम थी जी, सारे जने बोल के दसो। भाई तारू सिंह जी, पता लग गया सारे नू? बिल्कुल सौखा सी ना सवाल, सिर्फ गल की सी अपन समझन दी, अपन पता होना चाहिए जिस चीज़ नू असीं देखण आए हाँ उहदे विच असीं की देखिया, उहदे विच पात्र कौन सन, किन्हां दी फिल्म देखी, उन्हां दे पिता दा, उन्हां दी भैण दा, उन्हां दे माता दा, नाल दे होर भी बहुत सारे सवाल आउंदे आ। लो जी अगला सवाल मेरा गुरबाणी चों, बिल्कुल सौखा सवाल है, क्योंकि बच्चे बच्चे ने ना मासी वाले गुरुद्वारा चरण खंभ साहब के जो असी सवाल करके गए थे उत्थे अटेंड किया, जिन्होंने सवालों के सही जवाबों का पता हो गए। आप बिल्कुल गुरबाणी चों, जपजी साहब की बाणी किन्ने पढ़ते सारे भी हाथ खड़े करो जो जपजी साहब के नतनेम करते हैं जी अमृत वेले। बहुत घट हाथ खड़े हुए जी, बड़े भागा वाले जीव हो जो अमृत वेले उठ के जपजी साहब की बाणी पढ़ते। भैनों जपजी साहब की बाणी के तुक आती है, मैं बोल के दसागा वह सिर्फ सौखा तरीके दस देना, जिमें भी तुम्हें सवाल होगा थोड़ा क्लीयर मैं भी कर देंगे। कई बार ऐसा होंगे भी सानू पूरा नहीं होंगे, पूरा कर देंगे, कोशिश करनी दसन की सारे बड़े छोटे वीर जपजी साहब की बाणी के गुर ईसर गुर गोरख वर्मा गुर पार्वती माई, ये की अर्थ ने जी? तकरीबन आप बाणी पढ़ते ना जपजी साहब की तो सारे जने पर ध्यान पढ़ते होवे, कई बार ऐसा होंगे भी रट्टा भी लाया होंगे, मूँह जबानी भी याद होंगी, आप पढ़ दई दी है पर अर्थ कदे नहीं समझ होंगे, बहुत सारिया गलों ने जी वांझे रह जाने। मैं दोबारा फिर रिपीट कर दिया, गुर ईसर गुर गोरख वर्मा गुर पार्वती माई, ये तीन शब्द ने गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के आते हैं। सिर्फ वो की मैं कारण क्यों पूछा, क्योंकि बहुत सारे वीर सानू सवाल करते हैं भी यदा मतलब आ जी यदा आ, आप करके क्लीयर करने के लिए किया, जो माड़ा मोटा भी पता था वह आके वीर कोई भी हाथ खड़ा करो, सारे पढ़ते ही बाणी, ये तो बड़ा काम ठंडा हो गया जी। चलो जिन्हों नहीं पता वो हाथ खड़े कर दो, जिन्हों पता सुनो भीर जी आ जाओ भीर जी अगे आ जाओ। सब तो पहला फतेह बुलानी है, इस तो बाद अपना नाम जरूर दसना जी, पिंड वालों भी पता लगे, कई बार पिंड रहने होंगे अपन पता नहीं होंगे एक दूजे का नाम। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक मिनट जी, गुरु गुरु प्यारे साहब सिंह जी, आप गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी के बैठे हैं, सिख जो गुरु घर आंदा ना तो मतलब होंगे गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी के आप बैठे हैं। वीर ने फतेह बुलाई है, मैं नहीं लैके आया अपने नालों, बेचते पुछ लो बई जी
ताडे बैंड का मुंडा है इन्हें तो सारे फतेह बुलाई है पर साढ़े अंदर पता नहीं पता नींद ज़्यादा टाइम होने करके नींद का टाइम भी बहुत हो गया भाई तो आप फतेह का बाद जवाब फतेह जाना जो भाई तारू सिंह जकरिया खान की कचहरी से लैके गए ना तो चाहे वह मुसलमान से अगे पर भाई तारू सिंह ने की बुलाया जी सारे जने उच्ची जगह बोलो लो जी हम वीर जी बुलाओगे तो बोलो वीर जी दोबारा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जिहड़ी पंक्ति भाई साहब ने बोली सी उहदा मतलब यह सीगा भाई ते गुरु गोरख गोरख तो तुसी जानदे ही हो गोरख ते पार्वती माई वह भी एक गुरु के रूप से उन्होंने भी उही गुरु बनता से उही कारण पुरख सच्चे पातशाह उन्होंने भी उही बनते थे जिन्हों असं हराते हैं यही पंक्ति यही मतलब से होर जी किसी वीर बड़े जी मैं तो सोचा पिंड बाबा गुरसिख वीर लगते ने तो लगता काम ठंडा है आही साढ़े जी कमी है गुस्सो सब तो वड्डी असी बाणी खुद नहीं पढ़ते बैठो वीर जी कोई ना तुहाडा सवाल तां आपां क्लीयर करांगे बिल्कुल होर जी किसी वीर चलो ये सवाल वैसे मैं क्योंकि कई बार ऐसा होंगे असं बाणी पढ़ते हैं बाणी के अर्थ नहीं समझते कोशिश करो मैं सब तो पहला जी अपील कर जा रहा भी प्रोफेसर साहब सिंह जी जिन्होंने गुरबाणी के अर्थ किए ने उन्होंने पोथियां मिलदिया ने अद्धे मुल से लुधियाना भी मिलती है जो किसी वीर ने लैनिया भी होंगे साढ़े संपर्क कर सकता अभी दवा देंगे तो अद्धे मुल से जे कीमत 200 वह लगता सारा तकरीबन असं भी किताबा लियाने होंगे अब टाइम लेट होकर किताबा नहीं लियाए असं भी अद्धे मुल से किताबा दे दी भी जोड़े वीर ने पढ़ने के लिए कई बार यह होंगे भी सानू बहुत सारिया गल्ला इदा ही बांझे रह जाने हूँ मैं शब्द में क्लीयर करा गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी के क्योंकि बाणी पढ़न का मकसद सिर्फ यह नहीं भी कला असी किताबों को रट्टे लाते भी कोई भी चीज़ पढ़ी तो शर्ती बस पर पढ़न का भाव उदो होंदा जो गुरु का सिख उस शब्द को पढ़े पढ़न तो बाद उसनों अपने हिरदे च बसावे देखे भी की कहता शब्द मेरे लिए उपदेश की करता है हुण आपां शब्द को क्लीयर करिए सारा ने नाल बोलना गुर ईसर गुर गोरख वर्मा गुर पार्वती माई हुण आपां सारे पता की करते अर्थ कढ दिंदे जी साडा ईसरी गुरु है साड़ी पार्वती जी माता जिम्मे शिव जी के घर वाली सारे ही जानते हो ना पिंड बहुत जानन लग गए अगर तो जानते नहीं सौन लग गए वो इदा ना करे सारे जानन लग गए पार्वती माई कहते जी सारे की पूजा करनी चाहिए है माता जी गुरु साहब सब तो पहला मैं निर्णय करा बाणी कहती है देवी देवै पूजी है क्या मांगो क्या दे गुरु साहब की बाणी कहती है मैं नहीं कहता अपने को ना कह दो भी मैं अपने को मारी जाना जी जे कल संत हो तो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ दो गुरु साहब कहते देवी देवै पूजी है क्या मांगो क्या दे गुरु साहब कहते जिन्हें मर्जी देवी देवते की पूजा कर ला ना कुछ दे सकता तो ना तो पल पा उन्हें कुछ वो तो आप मनुखा जीवन में तरसते हैं भी सानू मिले तो असी भगती करके सफल करिए असी उन्हें मूहे हथ के खड़े भी नहीं पार्वती साड़ी माता जो बाणी जी लिखे पर कहते असी समझे होता ना सानू लोड़ ही नहीं पैनी गुरु साहब ने गुर ईश्वर मेरा गुरु ही ईश्वर है ईश्वर है जी हिंदू धर्म के मनिया जाता ना विष्णु ब्रह्मा करके भी मेरा गुरु ही वह है जिन्होंने गुरु में मत्था टेकते हो गुर गोरख गोरखनाथ एक योगी होया दुनिया बड़ी पूजती है अज भी योगियों की गुर मानता गई योगियों के 12 फिर किन्ने 6 नागे तो 6 कपड़े वाले जगाधारियों के बड़ी दुनिया पूजते कुंभ के मेले से देखोगे तुम सारे इकट्ठे होए होते उसे बड़े डमरू बजा के डांस करते हो पर गुरु साहब की बाणी कहनी है मेरा गुरु जिहड़ा गोरख है मेरा गुरु ही गोरख है मैनू होर किसी की कोई लोड़ नहीं किसी मनुख की लोड़ नहीं मैनू गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर हुण ब्रह्मा नूं सारी कहिंदे ब्रह्मा सारी सृष्टि की उत्पत्ति करदा और खाण पीण नूं सारा कुछ प्रबंध जिहड़ा सिस्टम सारा उन्हें चलाया गुरु साहब कहते नहीं नहीं साडा ब्रह्मा ही गुरु है साडा बाहर सानूं किसी की लोड़ नहीं हैगी गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई मेरा गुरु ही मेरा माई है पार्वती मैंने बाहर देखने की लोड़ नहीं किसी वाल असी वो शब्द पढ़ते तो कह दें जी देखो देवी देवत्या बारे तो बाणी जी भी लिखे पर कदे गुरु साहब का भाव अर्थ नहीं देखे पर साड़ी नज़र के ईश्वर ब्रह्मा गुर गोरख जिन्हें देवी साडा सारा कुछ ही गुरु है सानू बाहर किसी गुरु साहब कहते मानुख की टेक बिरथी सब जान देवन को एक है भगवान दद्दा दाता एक है
दसो सही कह रहा गलत कह रहा कि देना क्या मैं अपने को कह रहा मैं गुरु जी दादा दाता एक है सबको देवनहार सारी सृष्टि का पालन वाला तो एको ही परमात्मा हूँ जो बाणी में ध्यान न पढ़िया हों तो कल मूल मंत्र चो पता लग जाना भी की है सच की है तो झूठ की है सारे जन बोलो जी आप मूल मंत्र के शब्द में बोलीए एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाव निरवैर अकाल मूर्ख अजूनी साहबाऊ गुरप्रसाद इतने तक आ मूल मंत्र हम बहुत सारे लोग इनू पढ़ के भी नहीं समझ सके परमात्मा है कि गुरु साहब ने परमात्मा एक ओंकार का भाव एक परमात्मा है होर दूजा है ही नहीं कोई परमात्मा ने असी पर पता नहीं कितने भाड़ते फिरते हैं कि पीर दबर से कदे कदे पत्थर की मूर्ति भी गुरु साहब कहते पत्थर तो उ नहीं पूजना भुल के भी ना पत्थर बोला है ना कुछ दे गुरु साहब कहते बाणी कहने मैं नहीं कहता अपने को ना कहो कि तुम अपने को आके हर चीज पत्थर की है दीवार बनी है सारी बिल्डिंग बनी है ये सारा पत्थर पीस के सीमेंट बनाया गया ये सारी पत्थर की है सब कुछ ये पत्थर का मिलावट है सीमेंट जिन्ना बनता इट्टी मिट्टी कट्ठा करके गुन्या गया वो इट बनाई गई उन्होंने अग च साड़िया गया वो पत्थर का रूप हो गई इटा बनिया हुई ये सारिया निर्जीव चीज़ा ने पर असी की करते हैं पत्थर के अगे भी गुरु नानक साहब के कहे हुए बचना के नहीं एक ओंकार परमात्मा गुरु साहब के अजूनी सहपन परमात्मा तो जन्म ही नहीं लगा अजूना चाहते ही नहीं असी पत्थर की भी दरख्त की भी जानवर की भी कोई गौ में पूजी जाता कोई गधे को पूजी जाता कोई घोड़े को पूजी जाता कोई कासे को पूजी जाता सारे अपने अपने बनाए हुए हैं जी कोई पिप्पल की पूजा करी जाता उतो डरी जाता कहता जी पिप्पल ये डाणी में हाथ भी नहीं लाना असी बाणी पढ़ते नहीं सही मैंने चाह के सिर्फ बाणी इतने आने मत्था टेक देंगे दान जिन्ना मर्जी करवा लो सब तो दावे ना कह देंगे जी मेरे ना पत्थर ला लो 10 लाख का मैं दे देंगे कोई ना बहुत पैसा मेरे को पर कद ये नहीं आ गए कहा कि गुरु साहब ताकि बाणी भी कि मेरे हिरदे के बचा दो एक शब्द भी जब जी शब्द की बाणी तो मेरे अंदर किनका बस किनका है कुछ सजीव साहब है ताकि मैं मां गणी नाया वह कदे हिरदे से जी किनका नहीं बसाया बाणी का जो बसाया होना सानू कि होर नहीं कि जाने की लड़ ही नहीं सी किसी टेक रखने की लड़ ही नहीं सी मेरा जी अगला सवाल है क्योंकि मैं ज्यादा समा लै गया सर आप थोड़ा तुम हसा लीए पता पता क्योंकि हस पता ना बंदा तुम दिल खुश होंगे फिर वो बड़ा खुश होंगे फिर उन्हें जो मर्जी बुलाई फिर बोलने का आदत पा जाती है लो भी सारे ध्यान ना सुनो तुम जी मैं गल सुना एक पिंड च गए से उत जाके उन्होंने पूछा भी बच्चों 5 प्यारों के नाम दसो बी मगरों एक बच्चा खड़ा हो गया ना जी मैनू पता जी चल तू ही आया वो भजा भजा आया स्टेज पर फतेह बनाई आके कहना जी 5 प्यारों के नाम मैनू पता जी मैं चल दसो कहना जी मगर सिंह करनैल सिंह जरनैल सिंह महेंद्र सिंह उन्हें 5 प्यारे गिनाते जी इदा वो मैं कहा यह कि 5 प्यारे हो कहना जी साढ़े जो नगर कीर्तन निकलता ना यही होंगे ने हो गया ना मान को पता कि हिरदे के साथ गल इतिहास पढ़े ही नहीं आऊगा भी छोड़ो ये की लड़ है ये तो ग्रंथी सिंह का काम है बाणी पढ़े तो ग्रंथी सिंह इतिहास पढ़े तो ग्रंथी सिंह कथा बात की पढ़ी जन संघ पाड़ी जाओ जिन्ना मर्जी साडा काम नहीं गुरु नानक ने किसी एक दे लई नहीं सी बनाया सारा कुछ साढ़े सारे दे लई बनाया सी सानू सारे उपदेश किया भी सारे लई है गुरु साहब ने अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजो कौन पले को बंदे बाणी किसी एक लई नहीं सी हिंदू लई भी होनी है मुसलमान लई भी सिख लई भी सारे के लिए बिल्कुल सही कहा जी मेरा अगला सवाल है जी सारे तैयार हो जी पर दसो मैं चुप करके बैठ गया मैं तो पता नहीं की हो गया मैं सुस्ती पै गई ज्यादा सारे जने बोलो जी बिल्कुल तैयार हाँ करिए फिर जपजी साहब की बाणी के किन्ने श्लोक ने भैन ताे वालों किसी वालों हाथ नहीं खड़ा हो रहा छोटी बच्ची ने हाथ खड़े गया आ जा बेटा आ जा पुत्र आप भैन वास्ते में एक सवाल लेके आवेंगे इस तो बाद सवाल हम स्पैशल भैन होगा
ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਗੁਰਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਬਾਚੇ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਿਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਕੁਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਹੋਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਠੋ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੀਰ ਹੋਣਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਪਤ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਸੱਚ ਜੁਗਾ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸ਼ੀ ਪੀ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾੜੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੋਂ ਝਰਨੇ ਡਿੱਗਦੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰ ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਕਰੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਆ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੱਕ ਜਪਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਪ ਉਹ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਬਗਾਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜੀ ਕਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦਾੜੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਣ ਟੂਟਰਾਂ ਮੂਟਰਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਪ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆਦ ਸੱਚ ਜਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਇਹ ਸਲੋਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਜੇ ਸਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾ ਵੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਲੋਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹ ਸਲੋਕ ਨੂੰ 17ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੁਖਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਲੋਕ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ ਸਲੋਕ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਆ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਲੋਕ ਨੇ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੇਤੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉਹ ਨੀਲੀ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਕਾਕਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਲਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਿੰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ
बिल्कुल सही जवाब उसका पुत्र ने, पर दसो भी जो बंद तिने काम नहीं करता उन्होंने की कहोगे? बैठो पुत्र, बिल्कुल सही जवाब। बच्चा घबरा लगता पता नहीं कह गल कर दें। आप इस गल क्लीयर भी कर दी अज जो सत पुछो मैं तुम एक पहले एक थोड़ी गल सुनावा हादसे वाली, तुम कहो बड़ी वधिया। एक ना बंदा चला गया पंडित को, मैं सारे किसी ने धार्मिक भावना खिलवाड़ नहीं करता, मैं माफ़ी चाहता जो किसी वीर ने बुरा लगे, पर इस तो पहला एक गल के नाल मैं गल तुम क्लीयर तो करना चाहता भी अब तकरीबन धर्म की जी ना डेफिनेशन बदल के रख दिता गया, धर्म के अर्थ ही कुछ होर बना दिए गए। वो जी पंडित को चलया गया, वो जाकर कहता जी पंडित को कहता जी मेरे को पैसा टका सब कुछ बहुत आ, पर मैं पंडित बनना जिमें कि अपने गुरुद्वारे भी कह मैं भाई बनना तो मैं की करना पवेगा। वो कहना भी कुछ नहीं करना पैना, पंडित कहता तू 100 जग करा दे तो तू पंडित बन जाएगा। कहना जी कि खर्चा होगा? कहना भी बस 1,00,000 रुपया होना। कहना जी मैं 1,00,000 रुपया तुम्हें ही दे देना, जग तुम करा दो तो मैं पंडित बन जाऊँगा। कहना नहीं पंडित तू हले भी नहीं बन सकता। कहना जी फिर कहता तेन गौं दान करनिया पैनिया है। कहना जी वो भी कर देंगे। कहता फिर मैं पंडित बन जाऊँगा। कहता यार नहीं फिर भी नहीं तू बन सकता। कहता फिर कहता फिर तेन घर बार जमीन जाए जिनी भी है सारी दान करनी पैनी है तू फिर बनेगा। वो कहना जी चलो आप रख के भी की करना जो आप धर्मी बन गए तो आप सारा कुछ ही दान कर देंगे, आपको पंडित बनना चाहिए। वो कहते भी इस तो अगे कोई होर तो नहीं बस फिर मैं पंडित बन जाऊँगा। कहता नहीं कहना फिर कहना सामने नदी चलती है। कहना हाँ जी कहना वो साल मार के मर जा। कहना है ये क्यों? कहना अगला जन्म तो पंडित ही मिलेगा। कहना भी तू सारा कुछ मैनू दे दे आपका तो मैनू मैं पंडित तू बने जा ना बने तू तो आत्महत्या ही करनी है तो मैं तो अमीर हो जाऊंगा ना। अज धर्म का गल ही यही बन गई। जिन्हें सच पुछो मैं गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी से खड़ा होकर दावे वाला कहना जिन्हें साढ़े धर्म प्रचारक ने सब तो पहले उनकी नीत यह होंगी भी मैनू चढ़ावा किन्ना मिलेगा। जिन्हें साढ़े व्डे व्डे डेरे वाले ने चाहे सिखी लिवाज के साथ संत समाज बनया होया सारे को 80-80, 20-20 लाख दड्डिया ने तुम पुछो भी धर्म प्रचार 5 लाख की गड्डी भी हो सकता 10 लाख की भी हो सकता, पर चाहिए ही पंजाब का भला कर। पंजाब अच्छे नशे का हर चलता पर 70% पंजाब का नौजवान नशेड़ी है। किसी को चिंता नहीं, अपनी चिंता कि साड़ी कमाई से कोई फर्क ना पवे। धर्म तो नौजवान बागी क्यों होंगे पे ने? कहते भी जो झूठ ही बोलना तो धर्म का लवाब पा के जरूरी बोलना तो फिर सिद्ध ही हो जाओ। जिमें कहते अच्छे नौजवान कॉलेज जाके पुछ लो कहते जी खाओ पियो तो ऐश करो। मैं एक बार इदा ही लैक्चर देने गया, मैं क्या पुत्रो जे इदा ही तुम बस थोड़े सवाल से जवाब दे देना। कहते फिर मैं क्या तुम कहो भी खाओ पियो तो ऐश करो की लोड़ है? मैं क्या जो तुहाडे दादे कोल जमीन किन्नी है? कहिंदे 40 किले। मैं क्या जो भी ही सोचते होंगे भी खाओ पियो तो ऐश करो तो अच्छ जमीन तुहाडे कोल होर भी नहीं सी होनी, तू किसी किराए पर बैठा हुंदा। ये खाओ पियो का सिद्धांत उदो लागू होंदा मनुख ते जदों अपने आप दे विच पूर्ण होवे। खाओ पियो का सिद्धांत जिन्ना मर्जी अपना लाते करदे पए ने सारे। जिन्हें डेरिया वाले ने किसी को जाके पुछ लो तो जमीन किन्नी है जी? 700 किला संतों को महापुरशों को है। दूजे पास उपदेश भी करते पे ने गुरु ग्रंथ साहिब हजूरी च, माया होई नागणी और रही जगत लपटाए जो इसकी सेवा करे तिस ही नू ए खाए। लोगों के जी उपदेश भी करते पे हैं अपनी जबान तो अभी बोलते भी पाए हैं भी माया नागणी है जी, हरेक नू दसदी है ये तो माया इकट्ठी भी करते पे हैं भी भगतों जो दीवान लगाने इन्ने पैसे इकट्ठे करके लिया हो इन्ने का चढ़ावा हो आही है ना साड़ी बिरती बड़े आली सार सी महल बना ले कि उहदे विच सुख सुख मिलदा कोठियां बना के लोग रहिंदे पए आ उन्हां कोठियां च फाहे भी लैंदे पए ने बड़ियां बड़ियां महल बनाए ने उन्हां दे विच लोग नशे भी करदे पए ने पर गुरु का सिख उह पूर्ण है जदों गुरु के दसे हुए मार्ग से चलता है। माया चाहिए है ना कि वह भी माया नहीं चाहिए कि भुलेखे च रह जाओ पर माया चाहिए गुजारण मुताबिक जिनी लोड़ है शरीर वधदी आई हुई तो नागणी हो जाती है तो लोड़ मुताबिक हुण इन्हां तो दोवें भी बहुत औखे ने। जिहड़ा गरीब है बेचारा औरत की मजदूरी कर करके मरदा पिया उहनूं धर्म की दसे क्योंकि वह तो बेचारा सवेर तो लैके शाम तक दिहाड़ी करके मसा आउंदा तो 200-400 रुपया कमा के लाउंदा विच घर का गुजारा भी नहीं चलता पिया। एक बंदा दूजे पासे उपदेश करता पा भी धर्म सिखो तो आप वो करोड़ों ऐश करता पा गया। हुण सारा पंजाब डेरे वाले खरीदना लाया कहिंदा जी साडे महापुरशां ने उत्थे डेरा खोलता फलाने तां 200 किला खरीद लो तो डेरा खोलता ना पुछना किसी डेरे खाली जगह जाके कि धर्म सिखे जाते हैं। तो पंजाब के स्कूलों का हाल तुम आप देख लो, तुम सारे इतने बैठे हो नहीं पता तो नैट पर पढ़ लो कढ़ के भी सब तो बुरा हाल पंजाब के स्कूलों का। पढ़ाई के नौजवान फेल होंगे, पढ़ लिख के नौकरियां नहीं मिलदियां पईआं,
विश्वास उदो बनता गुरु का सिख जो भाई तारू सिंह ने कहा भी गुरु का मुख जो गुरु खोल कह गरीब की जो गरीबों के गरीबों बराबर लिया जाए अपने नाल सिर्फ ये नहीं भी अपने गुरु साहब कहते हैं फिर गुरु नानक साहब ने एक बचन है गुरु साहब ने गले असी चंगिया उचारी बुरिया मनोक सुधा कालिया बाहर चिटवियां लंबे लंबे चोले पाए है बड़े कृपाना पाइया ने बड़े महापुरुष बने गोल पगां बनिया ने साड़ी टौर पूरी नाल चार पांच गनमैन ने ते काम की ने सानू दोनों दो नंबर की कमाई तो बिना सौ किला नहीं बनता जी सानू सारी उम्र होगी लुधियाने मरदा बस उही है जिनी रोटी चलती है गुरु की कृपा नाल किले कट्ठे नहीं होंगे किले उदो कट्ठे होंगे जब दो नंबर का कोई धंधा करो भी पता लगे जां फिर लोगों झूठ बोल के पैसे कट्ठे करो मैं सही कह रहा गलत नहीं कह रहा कभी कितने ना तुम कभी अपने को ही कही जाना मैं गुरु नानक की गल कहना गुरु नानक साहब जी ने पहले दिन तुरे उन्होंने सारे वाल निगाह मारी भी सारे लुटते पे ने संसार में कोई जोगी बन के लुटता पाया कोई हाथ दे के लुटता पाया कोई मंदिर के बैठा है कोई पहाड़ों दिया कंधर के बैठा कोई दरख्तों दिया जड़ा थले बैठा है कोई किसी टिब्बे से चढ़ के बैठा है किसी ने कुछ बनाया किसी ने कुछ बनाया गुरु नानक साहब ने कहा क्यों मूर्ख बनाने हो आप तो सिख लो धर्म हों की है धर्म के अर्थ होंगे ने भी सच बोलना नेक कमाई करनी लोड़वंदों की सेवा करनी अपने जीवन में उच्चा सुचा रखना करैक्टरलैस ना होना अपने जीवन के नशिया का सेवन ना करना अपने अंदर ज्ञान का भंडार इकट्ठा करना दूजे लोगों को ज्ञानवान बनाना धर्म के अर्थ ये होंगे ने इन्होंने चो भी पैसे इकट्ठे करने धर्म के अर्थ होंगे ने गुरु साहब बाणी जी कहते हर के संत ना आखी है बनारस के ठग गली च नींद च मारिया लोटे हथ नवग गुरु साहब कहते बड़े ने ऐसे संत मोको ना भावा गुरु साहब कहते ऐसे संत मैनू नहीं चंगे लगते बाणी कहती है हम मैं थोड़ा एक होर क्लीयर करना जो पहला सवाल पूछा जी किरत करो हूँ जोड़ा बंदा खेती करता तो अभी सारे मुझे लगता खेती करने वाले लगते पिंड सारे खेती करते कोई होर भी किरत कोई सब्जी की रेहड़ी लगा कोई दुकान करता किरत करते ना पर सारे पर जिदे को किरत करने को पैसे ने वंट के खाएगा पर जोड़ा हम किरत ही नहीं करता दूजे ने वंट के किमें छकेगा तुम दस दौ सारे जन का खाएगा जी जोड़ा बंदा किरत नहीं करता वह बंदा वंट के किमें छकेगा तो गुरु साहब कहते जो किरत नहीं करता वह वंड के नहीं छक जो वंड के नहीं छक सकता वो नाम नहीं जप सकता फिर क्योंकि जिन्ना चर किसी नाम जपन का उदों साढ़े अंदर वो हों जो अभी किरत करिए आप किरत करिए दूजे भी किरत का मार्ग दसी समाप्ति कर दी जी बड़ा ही चुप करके बैठ गए सारी संगत मैंने लगता टाइम भी काफ़ी हो गया ग्यारह बज गए बच्चों तुम कहना छुट्टी मम्मी ने पुछ लो उन्होंने जाना शुरू करता कहीं चलिए बाबा तो आड़ता नहीं तो बोली जाता है चलो जी मेरा अखीरला सवाल है बिल्कुल बस आप समाप्ति कर देने जी ग्यारह बजे कितने फिर सही है समा मिले मैं भैन ही सवाल लैके आया भैनों रामचंद्र के घर वाले का की नाम से भैन यही सवाल भैनों तेजे हाथ नहीं खड़े हुए मैंने लगता रामायण देखी नहीं टीवी से हाँ जी रामचंद्र के घर वाले का की नाम से आ जा बच्ची बता आ जा बच्चा बेटा कोई ना तुम भी पुछ लगे मेरे पुत्र चुप रहो जो ना क्लीयर किया पता आवाज मार लगे बेटा सब तो पहला फतेह बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਤਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੈਠੇ ਬੇਟਾ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਮਾਇਣ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਾਹਾਂ ਪਤੇ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ मेरा अगला सवाल है नाल ही जी भी साडे सिख धर्म के एक ऐसी बीबी हुई है महान स्त्री महान साड़ी माँ हो जी पूरे असी जोर शोर ना कह सके भी ऐसी माँ जो घर घर हो जाए तो बड़े ही भागों वाले जीव हो गए उस माता का की नाम से मैं पता तुम पता तुम सारा कुछ पता तुम मगर बीबिया को पूछना मैं भैनों की गल बड़ी तुम तो मतलब कहते सिख तो गुरुद्वारे च कथा नहीं होंगी भैन शब्द विचार आती है टीवी पर आती है
छोटी बच्ची तू ही आ जा पुत्र, मैं तो आ गया बड़िया भैन उठनिया साढ़िया भैन तो बोलिए नहीं बिल्कुल ये संघ लिया कहीं हो बेटा फतेह बुलाओ सब तो पहला बिल्कुल सही है। बच्ची के माता पिता आया बेटा कितने है? माता पिता नहीं आएगा है भैन जी? बड़े भागाल है बच्ची ने बहुत ही बढ़िया ढंग का जवाब दिया क्योंकि बहुत सारिया बीबिया भैन बड़िया भी नहीं पता बड़ा परिवार भागा है। मैं तो कहना परमात्मा गुरु ग्रंथ साहब जी बख्शिश कर परिवार से क्योंकि बच्चा छोटे बच्चों के अंदर लगन आती है। जिन्हें बड़े वीर या बड़िया भैन बैठिया ने सारे बच्चे तो कुछ सीखे जी बच्ची की दिमाग की याद शक्ति बहुत वधी हैगी और चंगी बैठो बेटा तुम नाम दे मिले। सिख इतिहास के एक ऐसी माता हो रही माता गुजर कौर जी जिन्हों का पुत्र शहीद जिन्हों के पति नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी शहीद जिन्हां दे गुरु हर राय साहब जी सौरा साहब उन्हां दे दादा सौरा गुरु हरगोबिंद साहब जी गुरु अर्जन साहब जी देखो किन्ने उस माता भागाली हो गई। सानू सीधा बारे तो मेरे ख्याल सारे पता सीगा असी सिर्फ इसलिए चुप करके बैठ गए भैन भी कि देने नाव स्टेज पर पापा बेइज्जती करते इदा ही है ना भैन। हुण बच्चों पुछ लिए भी हनुमान कौन सी मिनटियां हाथ खड़े हो जाएंगे सानू पता ही सारा जी इन्होंने पूछ लो भी रंग रेटे गुरु के बेटे भाई जैता जी कौन सन नहीं पता होना जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी शीस दिल्ली तो लैके आता से। ये बहुत सारिया नॉलेज चीज़ा ने सू सिख इतिहास के गुरबाणी के जड़िया पढ़निया चाहिए ने पर साडा मत की हो गया पंजाब सू इन्ना बुरा कर दिता गया साढ़े महापुरशों ने कि कहते गुरबाणी कह जी ये तो उन्होंने बंद के पढ़ने का काम आ वह जोड़ा पूरा गुरु का सिख हो अच्छा भी आम मतलब नेड़े भी ना जाए वो सौ अठाई सौ वहम पा के रखते जी नहीं नहीं इन्हू नेड़े नहीं जाना इन्हें आए नहीं है तो लहे सिखी तो कावड़ी नहीं है पहले ही फैसला कर देना भी तुम इसमें प्यार के नाल गल ना लाओ जो नौजवान बच्चे ताडे दूर होए ने यह नशे तो किवें बचणगे जो गुरबाणी पढ़नगे सिख इतिहास तो जाणू होणगे कल वर्ल्ड के कितने चले जाओ तुहानू सब तो पहला सवाल यह करेगा भी सिख धर्म का बानी कौन सी। हुण सारी संगत नूं पता जी दसो सारे जणे पता सारे बोल के दस दिओ ना सारे चुप कर गए जी कमाल की गल दसो असी साढ़े सिख धर्म के बानी का नहीं सानू नाम पता सारी संगत बोलो जी पता ही सानू सारे नू कौन सी जी लो जी आई मनोदशा की सच पुछे साड़ी मनोदशा की क्योंकि असं एक मजाक समझते हैं भी साढ़े धर्म को भी अभी मजाक बना लिया सच पुछो साढ़े घर के हालात ने अच्छा पुत्र तू दस दी कौन सी पुत्र हाँ लो जी बच्चे को पता हूँ जेडे कहते जी ना हाँ जी सानू नहीं चुप कर देते हाँ पुछ लो बच्चे सारे जने रच के पते बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सानू हर चीज बारे ज्ञान होवे तां सानू कोई अला मूरला सवाल ना कर सके। मैं एक गल दी क्लीयर करके समाप्ति करना चाहुंदा क्योंकि बहुत सारिया गल्लां ने वीरां ने मेरे नाल साझियां भी कीतियां सही पुछो चलो कई वीर सहमत हुंदे सवाल ने नौजवान बच्चों के। सानू वीर ने सवाल किया कहन लगा भी अकाल तख्त साहब ते संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वाले हथियार लैके गए सब तो माड़ा काम सी उह साडे विच सब तो वड्डी गल इह है वी सानू इतिहास तो असीं जाणी नूं हैगे सानू सिख इतिहास की पूरी नॉलेज नहीं हैगी गुरु नानक साहब तो लेके दसां गुरुआं दा पंद्रह भगतां दा संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वाले ने जदों अकाल तख्त साहब की सिरजना होई छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी ने सब तो पहला जिहड़ा हुक्मनामा जारी किया हुक्म किया जिहड़ी भी सिख संगत हरिमंदर साहब मत्था टेकण आएगी जिथे रस्त पाणी तुसीं लै के आउणे उत्थे नाल आपदे शस्त्र ते घोड़े भी भेट करने अकाल तख्त साहब दे। हुण बहुत सारे वीर कहणगे भिंडरां वाले ते हथियार लै के पड़ के हरिमंदर साहब तुहानूं पवित्र कर दित्ता गया हथियारां नाल पवित्र नहीं हुंदा सही पुछो सब तो पहला जिहड़ा हुक्मनामा सी गुरु हरगोबिंद साहब जी दा वो इसे तो जी मैं तां गल क्लीयर की मैं गल नहीं करनी क्योंकि बहुत सारे नौजवान बच्चों का सवाल सीगा ये भी उत्थे जी हथियार लैके नहीं सी जाने चाहिए। हुण जो खंडे बाट जी तुसीं पहुँच सकते हो तो सोनू एक ककार आ जिहड़ा विचों कृपाल कृपाल नूं भी हथियार कहिंदे हन ये पाउणी पैंदे कि नहीं जी सिख नूं पाउणी पैंदी है ना इहदा मतलब असीं पा के गुरद्वारे भी आउणे मतलब इत्थे भी पा पा सानूं पा के आउणा पर गुरु साहिब ने कहणा रहिणी रहै सोई सिख मेरा
मैं उसका चेहरा गुरु साहब कहते मेरा सिख ही जो रहनी रहा रहनी कदों रहे जो पांच ककार पूरे हो सिख के असी जाकर लग जाने भी उत्थे जी हथियार नहीं जी इदा नहीं जी करना चाहिए सानू क्योंकि पढ़न की आदत नहीं कोशिश करो वीरों भैणों भी जिन्ना वध तो वध इस सिख इतिहास में पढ़ सकी जथेबंदी सिंह सभा लहर के उपराले ने भी पिंड धार्मिक फिल्म समाज विवाह प्रोग्राम होर भी बहुत सारिया गल् जी वीर प्रचार करते भी जिन्हें भी वीर कट्ठे हो गए नाल सेवा कर सकते हैं असी निष्काम तौर पर सेवा करते हैं साड़ी कोशिश यही होंगी हर वेले वीर नौजवान बच्चों वो तो वो नॉलेज दी जाए जिनी भी संगत ने समा क्ड के जिते टाइम क्ढाया वीर लाभ सिंह जी जिन्होंने सामने अच्छे मौका दिता इतने आने का असं उन्हें धन्यवाद हैं सारे रज के फतेह बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की जोड़े बच्चे ने सही जवाब दिए उन्होंने नाम देने जो बच्चों ने मैं बेनती कराँगा भी आप ही उठ के अगे आ जाओ मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वीर भी बेनती कराँगा वीर लाभ सिंह जी उन्होंने भी बच्चिया ने भी जवाब दिए सन एक बच्ची वो बैठी है पिछे काली चुनी वाली बेटा अगे आ जाओ तुम्हें भी जवाब दिता से कोई ना बच सीता माता वाले सवाल तो भी तुम नाम देवे आ जाओ बच्चा इधर आ जाओ मेरा पुत्र होर भी कोई बच्चा तो नहीं जी दो नाम दो जी बच्चा बाबा जी की कोई लोड़ नहीं सही मैंने जो कोई लोड़ नहीं है सानू सिर्फ यही संगत को नॉलेज मिलनी चाहिए वो तो वह गुरु वाले बनो बन के बाणी के बाणी के धार्मिक बनो दो बच्चे बच्चे आ बच्चे खड़े नहीं सारे जने गज के पते बुलाओ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की होर भी कोई बच्चा रह गया बच्चे नेड़े आ जाओ पुत अगे आ जाओ अगे आ जाओ वीर जी सारे वीर लाभ सिंह जी अगे आ जाओ बस हो गए बच्चे अगे आ जाओ जी अच का समागम आप साध संगत कि लगे सारे जने बोल के दस जी ने ठंडा जहा बोलो मतलब ठीक नहीं सारे जने फतेह बुलाओ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।